Assalamu alaikum viewers, this is Beena J. I'm your skincare specialist, laser technician and makeup artist. Viewers, आज मैं बात करूंगी ऑयल पे, जो ऑयल है वो हमारी स्किन पे क्या बेनिफिट देते हैं और क्यों हार्मफुल है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं ये जो आप तमाम लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ऑयल जो है हाइड्रेट करता है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ऑयल जो है वो हाइड्रेट नहीं करते हमारी स्किन को। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं कोकोनट ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल एंड होबो ऑयल एंड मैकेडेमिया ऑयल। तो ये मैं बताऊं कि ये ऑयल जो है सिर्फ आपके मॉइस्चर को लॉक इन करता है, जब आप 2 or 3 ड्रॉप्स आपके हैंड पे आप लगा के उसको, तो आप फेस पे लगाते हैं, लाइक फर्ज करेंगे मैंने ये लगाए 2-3 ड्रॉप्स, वैसे हो सकता है ज़्यादा आ गया हो, लेकिन मैं 3 कह रही हूँ आपको, 2 or 3, और उसको आप ऐसे दबा के अपने फिंगर से थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। आपने रब नहीं करना, डोंट रब द ऑयल प्लीज़ ऑन योर हैंड, क्योंकि वो आप फिर वो उसको हाथ में ही अपने बहुत ज़्यादा हाथ में पहले आप रब करते हैं, फिर आप फेस पे रब करते हैं, तो वो उसका वो जो लगाने का उसके बेनिफिट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और सम टाइम आप बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, वो आपकी स्किन को एकदम से ब्रेकआउट भी देता है, आपकी स्किन ऑयली लगने लग पड़ती है, स्टिकी लगने लग पड़ती है, तो वो डोंट फील गुड। यू नो लॉट ऑफ पीपल दे थिंक कि ऑयल जो है वो आपको बहुत हाइड्रेशन दे रहा है, तो वो एकदम से ज़्यादा लगा के अपने फेस पे लगा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वो हाइड्रेट नहीं करता, इसलिए आपने अपने मॉइस्चर को लॉक इन करने के लिए सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स अपने हाथ में डालने हैं, उनको थोड़ा सा वार्म अप करना है और फिर बिल्कुल आराम से आपने अपने फेस पे लगा लेना है। नेक पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं, जहाँ जहाँ आपने आपको ज़रूरत है, इवन आप बॉडी पे भी, बॉडी पे आप रब कर सकते हैं बट नॉट ओनली योर फेस, क्योंकि ऑयल को जब आप रब करके अपने अपने फेस पे रब करते हैं तो आप अपने पोर्स को भी क्लॉग कर देते हैं। तो इसलिए आप अपने अगर चाहते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में आपके और साथ आपके मॉइस्चर के वो जाके मिक्स हो और आपको लॉक इन करे, तो फिर आपने सिर्फ उसको डैप करना है। और ऑयल जो है वो कभी भी आपने डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाने, एकदम से आप ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, आपने डायरेक्ट से अपने फेस पे ऑयल नहीं लगाना। सबसे पहले आप अपना कोई, इवन मैं कहूँगी कि रोज़ वाटर भी आप ले सकते हैं, आप सिर्फ कॉटन पैड लेके उसको वेट करके आप अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जैसे हम हलोरनिक एसिड लगाने से पहले थोड़ा सा उसको अपनी स्किन को थोड़ा सा डैप करते हैं उसके साथ, तो इसी तरह स्प्रे करूँगी, स्प्रे करके तो आप उसके बाद ऑयल के 2 ड्रॉप्स लेके उसको वार्म अप करके तो अपने फेस पे लगा लेंगे। उससे पहले अपने मॉइस्चराइज़र लगा चुके हैं या आप सीरम लगा चुके हैं, उसके बाद आप ये ऑयल लगा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ऑयल जो हैं उनमें कुछ हैवी ऑयल हैं, जो कोकोनट ऑयल, जैसे मुझे ये भी मुझे मेरी एक क्लाइंट ने पूछा कि कोकोनट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो मुझे ब्रेकआउट क्यों दे रहा है, तो मैंने पूछा कि आप कैसे लगाती हैं, तो उन्होंने कहा कि बस रब करके तो मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से एक तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप ऑयल को, और वो स्किन को बल्कि आपकी स्किन को बेनिफिट देने की बजाय आपकी स्किन को ख़राब करता है। तो दूसरा ये है कि ऑयल जो है ओनली फॉर लॉक इन योर मॉइस्चर, ऑयल डोंट गिव यू हाइड्रेशन। तो आपको क्योंकि अपना जो मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है उसको लॉक इन करना है, तो इसलिए आप ऑयल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें फैटी एसिड भी हैं, इसके अंदर बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, और इस तरह से आपकी स्किन को ये हेल्दी भी रखते हैं और आपके मॉइस्चर को लॉक इन भी रखते हैं, जो आपको पूरा दिन आपका लास्ट करते हैं आपका मॉइस्चर। एक्सक्यूज मी, और ये भी हमारी मिस्टेक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोकोनट ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मैकेडेमिया ऑयल है, ये बहुत हैवी होते हैं, तो इसलिए इनको आप अनलेस कि आपकी बहुत एक्सट्रीमली ड्राई है स्किन, तो फिर आप यूज़ करें, और वो भी 3 ड्रॉप्स से ज़्यादा नहीं यूज़ करें।
और सुबह जब आपने बाहर जाना है स्पेशली, तो उस टाइम आप प्लीज़ ये देखें कि ऑयल जो है ये हैवी वाले बिल्कुल आपके ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर आप कोकोनट ऑयल लगाया हुआ है और बाहर निकल गए हैं, उधर से यूवी आपके जो स्पेक्ट्रम है वो आपके हिट करता है अगर आपकी स्किन पे, और आपकी स्किन को इन्फ्लेम्ड कर देगा। इसके बाद आपकी स्किन पे ब्रेकआउट आ जाएंगे, इसके बाद मेलाज्मा आ जाएगा, कोई सन स्पॉट, कोई डार्क स्पॉट्स, तो फिर आप कहेंगे कि पता नहीं क्यों हमारी स्किन ख़राब हो रही है। तो इसलिए आप प्लीज़ ये चीज़ का खास खास तौर पे ख्याल रखिए। प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू यूज़ योर सनस्क्रीन बिफोर एक्सपोजर ये सन का, और ऑयल डोंट यूज़ ऑयल, हैवी ऑयल अगर आपने यूज़ करना है तो आप 2-3 ड्रॉप्स इसके वाटरमेलन सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो लाइट वेट में आता है। आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, और ये रेस्पबेरी सीड ऑयल बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके लिए टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा है। वाटरमेलन ऑयल तो वेरी वेरी लाइट वेट होता है, ये जो सीड्स के ऑयल होते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैवी ऑयल अवॉइड करें सुबह यूज़ करने के लिए। और एट नाइट टाइम आप जानते हैं जैसे कि नाइट क्रीम्स या इस तरह के ऑयल जो हैं वो आप नाइट टाइम लाजमी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी जो क्रीम्स हैं उनके अंदर भी, वैसे तो होता है उसके अंदर भी, लेकिन आप अपनी एंटी एजिंग के लिए या अगर आप एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो उसको ज़्यादा वो करने के लिए उसमें मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी नाइट टाइम हमें न्यूट्रंस चाहिए होती है। हम रात को सोते हैं तो हमारे रात सोते टाइम तो हम उठ के खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो इसलिए हमारी ये जो नाइट क्रीम्स हैं ये इनके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो हमें एट नाइट हमें पूरी वो चीज़ें जो चाहिए हमारी स्किन को वो सब मिल रही होती हैं, जो हम सुबह के टाइम ले रहे होते हैं, हम साथ साथ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो इसलिए हमें वो लाइट वेट हम मॉइस्चर लगाते हैं। रात को हमारा हैवी होता है क्योंकि हम सो रहे होते हैं, तो सोते टाइम हमें अच्छी न्यूट्रंस चाहिए, तो उसको ये हमें वो कर रहा होता है, आपको ट्रीट कर रहा होता है ये सारा ट्रीटमेंट जो है, नाइट नाइट ट्रीटमेंट जो है। तो व्यूअर्स ये था, और मैं तो आपको बताऊंगी कि आई एम रियली बिग फैन ऑफ ऑयल्स। ये ओहोबो ऑयल है जिसको जोजोबो भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कभी मैं बोलती हूँ ओहोबो ऑयल, कभी बोलती हूँ जोजोबो ऑयल, बिकॉज इसके सब लोग डिफरेंटली इसको वो प्रोनाउंस करते हैं। और इसके अलावा ये है कैमोमाइल ऑयल, ये बहुत अच्छा है जिनकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है या जिनकी स्किन इरिटेट हो जाती है, इसको ये स्किन को कॉम डाउन करता है। कोई कोई किसी किस्म की भी इरिटेशन हो तो ये ऑयल बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा ये स्वीट आलमंड ऑयल बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल जो है ये भी बहुत लाइट वेट बनाया गया है स्पेशली स्किन के लिए। एंड कोकोनट ऑयल जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बहुत आप यूज़ करें तो नाइट टाइम कर लें यूज़, अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई है, तो अगर आप सुबह के टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले वेट करेंगे स्किन को, वेट करके उसके बाद सिर्फ 2 इसके वो ड्रॉप्स लेंगे, और सन में जाने से पहले आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। डोंट गो आउट विदाउट योर सनस्क्रीन, इवन घर में भी जब आप हों, उस कंप्यूटर के आगे हों, टीवी के आगे हों, लाइट में हम बैठे हैं, ये सारा हमें यूवी ए यूवी बी जो है ना ये हमारे साथ साथ चल रहा है, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है। इवन घर बैठे भी सनस्क्रीन लगाएं तो वो आपको बेनिफिट देगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन से अच्छी हो जाएगी। और व्यूअर्स ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आई एम रियली बिग फैन ऑफ ऑयल्स। ये तमाम किस्म के ऑयल पड़े हैं इधर, और अगर आप वहाँ पे देख सकते हैं सामने वो भी ऑयल, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अगर वहाँ पे आप तो इसको ट्राई कर सकते हैं तो। हाँ जी, ये देखिए ये तमाम ऑयल की मेरी कलेक्शन पड़ी है यहाँ पे, और मैं खुद भी बहुत ये ऑयल की यूज़ करती रहती हूँ, ऑयल डिफरेंट किस्म के।
इसलिए आपको मैंने आज यही चाह रही थी कि ऑयल के लिए हम थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि कोई कैसी ऑयल यूज़ करना है। तो व्यूअर्स अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ये देखिए किसी ने बात की और इसी से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ बैठ के तो इस पर डिस्कस करूँ आज। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ थम्स अप एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।